हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपस्केल एजुकेशन में। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स ए टू जेड। और इसका पहला पार्ट जो कि यूपी की ज्योग्राफी से रिलेटेड था, वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जा करके देखें। और इस पार्ट में हम लेकर आए हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश की पॉलिटी या राज व्यवस्था से रिलेटेड। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल कहता है कि व्हेन वाज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फाउंडेड, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश को पहले कहते थे यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा, आगरा एंड अवध। और फिर 1937 में इसका नाम छोटा करके सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंसेस रख दिया गया। और फाइनली 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन डिड लखनऊ बिकम द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी। लखनऊ से पहले 1920 तक उत्तर प्रदेश यानी कि आपका जो यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध था, उसकी राजधानी थी अलाहाबाद। और अलाहाबाद से चेंज होकर के 1920 में अलाहाबाद से अंग्रेजों ने कैपिटल शिफ्ट की लखनऊ की तरफ, और फाइनली 1921 में लखनऊ बन गई उत्तर प्रदेश की कैपिटल। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स डज उत्तर प्रदेश हैव। भाई, उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक खंड हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स या प्रशासनिक खंड होते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी भी बड़े स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को आसानी से कैरी आउट किया जा सके। तो फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश में 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं और ये डिविजन्स आप यहां पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, When was the first legislative assembly of Uttar Pradesh constituted? भाई, उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन हुआ था मार्च 1952 में। और अभी जो हमारी विधानसभा चल रही है वो चल रही है 17वीं विधानसभा, जो कि स्टार्ट हुई थी मार्च 2017 से। तो इसका आंसर होगा डी, 1952। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी विधानसभा सीट्स डज उत्तर प्रदेश है। भाई, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। देखिए, 2020 से पहले हमारे पास टोटल 404 सीटें होती थी, जिसमें 403 नॉर्मल सीट्स थी और एक सीट जो होती थी वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व करके रखी गई थी। लेकिन 126वां संविधान संशोधन बिल जब आया, 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उसने कहा कि ये जो एंग्लो इंडियंस की सीट एक्स्ट्रा रहती है, भाई इसको हटा दिया जाए। पार्लियामेंट में भी जो दो एंग्लो इंडियंस रहते थे उनको भी हटाने की बात करी गई और फाइनली ये बिल एक्ट बना, एक 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया। तो 104th संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अकॉर्डिंग ये सीट्स हटा दी गई हैं और जनवरी 2020 से हमारे पास टोटल बची हैं 403 सीटें। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी विधान परिषद एमएलसी सीट्स डज उत्तर प्रदेश है। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा उसके दो पार्ट है, वो बाई कैमरल है, द्विसदनात्मक है। तो जब बाई कैमरल होता है तो उसको दो हाउस होते हैं। दो हाउसेस का मतलब है एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। तो जो लोअर हाउस होता है उसको हम उसमें आपके बैठते हैं एमएलए, और जो अपर हाउस होता है उसमें रहते हैं एमएलसी। जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो यहाँ एमएलसी जो है उनकी टोटल सीटें हैं 100, एमएलसी की टोटल सीटें हैं 100, जिसमें 90 जो हैं वो क्या होते हैं, इनका इलेक्शन या चुनाव होता है, और जो 10 सीटें होती हैं इनको इनका नॉमिनेशन होता है। कौन नॉमिनेट करता है इनको, इनको नॉमिनेट करते हैं उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स डज उत्तर प्रदेश है। भाई, उत्तर प्रदेश में कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में राज्यसभा के मेंबर्स हैं। तो देखिए, टोटल 31 मेंबर्स हैं उत्तर प्रदेश से
जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स डस उत्तर प्रदेश है? भाई लोकसभा में उत्तर प्रदेश के कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं? तो देखिए लोकसभा में उत्तर प्रदेश के 80 रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक बात और बताना चाहूंगा कि लोकसभा और राज्यसभा में यूपी से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किसी भी स्टेट से ज्यादा है। मतलब राज्यसभा और लोकसभा में मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन अगर किसी स्टेट का है तो वो उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी नगर निगम्स, भाई कितने नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस उत्तर प्रदेश में हैं? देखिए 2018 से पहले हमारे पास टोटल 16 नगर निगम थे, लेकिन 2018 में शाहजहांपुर को अभी हाल ही में शामिल किया गया है, तो इसको एक नगर निगम बना दिया गया है। एक बात और बता दूं कि इस शाहजहांपुर से पहले मथुरा और आगरा को भी नगर निगम बनाया गया था। तो अभी फाइनली हमारे पास आंसर है ऑप्शन सी, 17 टोटल नगर निगम है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश सिचुएटेड? भाई उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वो कहाँ स्थित है? तो देखिए वो स्थित है प्रयागराज में। एक बात और बताना चाहेंगे कि इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1866 में, 1866 में, और इसमें टोटल 160 सीट्स हैं जजेस के लिए। इस समय जो हमारे प्रेजेंटली कह लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, उनका नाम है श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी। ये कहीं नोट कर लीजिएगा, श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी जी, श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश? भारत की कह लीजिए कि राजकीय भाषा कौन सी है या ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, देखिए सॉरी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी। कब से है ये? है 1951 से, 1951 में एक यूपी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था, यूपी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, और इसमें ऐसा बोला गया कि भाई उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको हिंदी किया जाए। और इसी एक्ट ने 1989 में, यानी कि 1989 में एक और लैंग्वेज जोड़ दी, जिसको बोला गया कि भाई ये सेकेंड स्टेट लैंग्वेज होगी, और उसको दिया गया उर्दू को ये दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो 1989 में उर्दू को भी ये दर्जा दे दिया गया है कि भाई ये जो उर्दू है ये स्टेट की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज या सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज होगी आफ्टर हिंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स इन उत्तर प्रदेश? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी की पॉलिटी के हिसाब से भी और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखिए सबसे ज्यादा सीटें हैं प्रयागराज में, सबसे ज्यादा सीटें क्या है प्रयागराज में। विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें होने का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा एमएलए कहां से आते हैं? तो सबसे ज्यादा एमएलए आते हैं प्रयागराज से। कितने आते हैं? 12 एमएलए। उसके बाद है लखनऊ, लखनऊ से आते हैं 10 एमएलए। देखिए तीन डिस्ट्रिक्ट ऐसी भी हैं जहां से सिर्फ तीन तीन एमएलए आते हैं, उनको भी जरा देख लेते हैं मैप में, आप देख लीजिएगा। तो इसमें एक आपको डिस्ट्रिक्ट दिखेगी ललितपुर, दूसरी दिखेगी महोबा, और तीसरी दिख रही होगी यहाँ पे श्रावस्ती। ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहां से सिर्फ तीन एमएलए आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी इन उत्तर प्रदेश? भाई देखिए बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है ये, कहाँ से है? वाराणसी से है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड इन बुंदेलखंड रीजन? भाई बुंदेलखंड रीजन जो है उसमें कितने जिले कवर्ड हैं? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बुंदेलखंड रीजन है कहाँ पर। देखिए ये जो पिंक वाला एरिया है, ये पूरा पिंक वाला एरिया, ये बुंदेलखंड रीजन कहलाता है। और बुंदेलखंड रीजन में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से 7 हैं यूपी में और 6 हैं एमपी में। ये याद रखिएगा, 7 हैं यूपी में और 6 हैं एमपी में। और बुंदेलखंड रीजन जो है ये जितने भी ओर्स होते हैं, जो खनिज हैं, उनकी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट वगैरह काफ़ी मिनरल्स आपके बुंदेलखंड एरिया में मिलते हैं, और एक कल्चरली भी काफ़ी डाइवर्स जगह है। तो इसमें जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आप देख लीजिए, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। तो इसका आंसर होगा भाई कितनी टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बुंदेलखंड रीजन में है, जिसमें कि 7 यूपी से हैं और 6 मध्य प्रदेश से हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? भाई उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? इनका नाम था श्री गोविंद वल्लभ पंत जी। कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को।
जब ये स्टेट को ऑर्गेनाइज किया था, ये फाउंड किया गया था, तभी ये पहले चीफ मिनिस्टर बने थे। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश सेम डेट को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को पहले गवर्नर उत्तर प्रदेश के कौन बने भाई? सर होरमास जी, फिरोज शाह जी, मोदी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंस के बाद उत्तर प्रदेश का पहला गवर्नर कौन था, तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का नाम जो दिया गया है वो 1950, 24 जनवरी 1950 को दिया गया है। इसके पहले 15 अगस्त 1947 से लेकर के और 23 जनवरी 1950 तक यूपी का जो नाम था वो था यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो कि मैंने आपको बताया। तो अगर ये सवाल आता है कि आजादी के बाद पहला गवर्नर कौन था, तो वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू जी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश, जो पर्टिकुलर नाम दिया गया उत्तर प्रदेश, इसका गवर्नर पूछा जाता है, तो कौन थे? सर होरमास जी, फिरोज शाह जी, मोदी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जी का नाम था माननीय सुचेता कृपलानी जी। क्या नाम था इनका? माननीय सुचेता कृपलानी जी। और ये 1963 से लेकर के 1967 तक, 1963 टू 1967 ये उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रही। हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, मैं आपको दो क्वेश्चंस पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भाई फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी उत्तर प्रदेश की? सरोजनी नायडू। और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ये पहली गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की। बगल में जो फोटोग्राफ बना हुआ ये जरा देख लीजिएगा ध्यान से, ये है श्रीमती पद्मजा नायडू जी, जो कि सरोजनी नायडू जी की डॉटर हैं। ये इनकी बेटी हैं, ये इनकी बेटी हैं। और इनका फोटो मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये अब तक की इंडिया की लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर रही हैं। इन्होंने 11 साल तक गवर्नरशिप निभाई है, और कौन से स्टेट की? वेस्ट बंगाल की। ये 11 साल तक पश्चिम बंगाल की गवर्नर रही, जो कि इंडिया में मैक्सिमम ड्यूरेशन है किसी भी फीमेल गवर्नर के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्टेट सिंबल ऑफ उत्तर प्रदेश। जरा ध्यान से देखिएगा इस सिंबल को, और इस सिंबल में देखिए ये जो लाइंस आपकी आ रही हैं, ब्लैक कलर की जो तीन लाइनें बनाई गई हैं जिनको अभी मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये लाइंस बताती हैं, ये डिनोट करती हैं संगम को, संगम को डिनोट कर रही हैं ये तीनों लाइनें, ठीक है, गंगा, यमुना और सरस्वती को। बाकी ये जो मछलियां बनी हैं, फिशेस बनी हुई हैं, तो मैंने आपको बताया कि पहले जो था यहाँ पर एक प्रोविंस थी अवध नाम की, इसको अंग्रेज औध कहते थे। तो अवध की जो कह लीजिए कि ऑफिशियल सिंबल था वो थी मछली, फिश। आप जितने भी अवधि मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, चाहे लखनऊ में देखें, फैजाबाद में देखें, कहीं भी देखें, तो वहां पर फिश जरूर बनी होगी। तो फिश बताती थी कि अवध रीजन की बिल्डिंग है। और ये जो धनुष बना हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है बुंदेलखंड रीजन को, ये रिप्रेजेंट करता है बुंदेलखंड रीजन को। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, जो कि राजा राम की नगरी है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनका, इसीलिए ये धनुष उनको रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं, हु इज़ द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए भाई उत्तर प्रदेश की विधानसभा का इस समय अध्यक्ष कौन है? तो मार्च 2017 में जब गवर्नमेंट आई थी, योगी गवर्नमेंट या बीजेपी जी की गवर्नमेंट, तो उसमें उसी समय कौन बने थे? श्री हृदय नारायण दीक्षित जी। अब इसमें दो नाम और दिए हुए हैं, देखिए श्री राम गोविंद चौधरी जी, ये कौन है? ये लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रेजेंटली लीडर ऑफ अपोजिशन है, या कहते हैं नेता विपक्ष, इनको कहेंगे नेता विपक्ष। और ऊपर जो दिए हुए हैं श्री अजय कुमार लल्लू जी, ये प्रेजेंट कांग्रेस, यूपी कांग्रेस के प्रेजेंट अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रेजेंट अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको नॉलेज लगा हो कि बढ़िया नॉलेज मिल रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ वेरी